नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज। स्कूल की बस से जेसीबी टकराई, स्कूल प्रबंधक ने जेसीबी चालक के विरुद्ध कराई रिपोर्ट दर्ज। दरअसल जनपद बिजनौर के बड़ापुर क्षेत्र के ग्राम सादातपुर गड़ी के समीप बच्चों को स्कूल ले जा रही स्कूल की बस की जेसीबी से टक्कर हो गई, जिसमें बस चालक घायल हो गया। गनीमत यह रही कि बस में सवार सभी छात्र छात्राएं बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार ग्राम नूरपुर अरब के एसके एकेडमी की बस, जो कि बृहस्पतिवार की सुबह ग्राम सालीपुर, कोटरा व सादातपुर गड़ी आदि गांवों से छात्र छात्राओं को लेकर स्कूल जा रही थी, जब बस सादातपुर गड़ी के पास नूरपुर मार्ग पर पहुंची, तभी सामने से आ रही जेसीबी से टक्कर हो गई। टक्कर होते ही छात्र छात्राओं में चीख पुकार मच गई, जिसके बाद शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और लोगों ने बच्चों को बस से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि बस में करीब 30 से 35 बच्चे सवार थे। वहीं दुर्घटना में बस चालक घायल हो गया, जबकि जेसीबी चालक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने जेसीबी को कब्जे में लिया और दुर्घटना में घायल बस चालक को कस्बे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि घटना की सूचना मिलने पर एसपी देहात रामर्ज, एसडीएम नगीना शैलेंद्र कुमार व सीओ सुमित शुक्ला ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। बताया यह भी जा रहा है कि एकेडमी प्रबंधक संजीव कुमार की तहरीर पर अज्ञात जेसीबी चालक के विरुद्ध संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना भी न भूलें। नमस्कार।